हिंदू मंदिर माइनॉरिटी रेप लड़कियों के साथ असोल्ट ये ऐसी चीजें हैं जो वहां दिन रात चलते हैं अरे भाई मैं क्यों सपोर्ट करूँ किसी पाकिस्तानी चैनल को मैं ना करती और मैं जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस क्योंकि भाई आखिर जो मुहिम हमने छेड़ी थी बाइकॉट पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स काफ़ी यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ने तो स्ट्राइक भी दे दी मैं बात कर रही हूँ शबनम शेख की जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा पसंद किया बट तब भी कुछ भाई ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी चिंकी पिंकी को टारगेट क्यों किया ऐसा कैसे भाई साहब ऐसा कैसे चलेगा बताओ और मैडम चिंकी पिंकी तुम्हारे को क्या है तुमको लगता है कि तुम सबको बेवकूफ़ बनाएंगी हनी ट्रैप में फंसाएंगी फंडिंग लेंगी सुपर चैट लेंगी उसके बाद भी इंडिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता इस गलत फैमिली में नको मैडम नको इस गलत फैमिली में तो रहने का नहीं समझ में आया क्योंकि एक एक हिंदुस्तानी काफ़ी भारी पड़ेगा इन पोरकियों पे तो भाई ये तो था हमारा पहला मुहिम का पहला दौर जहां हमने मरवाया है स्ट्राइक अब इनकी खलबली इतनी मची है कि भाई जैसे हमारे हिंदुस्तान में कुछ जयचंद लोग हैं वैसे ही हमारे पुरकिस्तान में भी कुछ सोर्स है जिससे हमें ये पता चला है कि ये लोग पूरे हाथ पैर मार रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आयरन लेडी का अगला टारगेट कौन सा होने वाला है और आयरन लेडी अगले बार इनके लिए क्या स्टेप उठाने वाली है तो गो हैड गो हैड आगे बढ़ जाओ तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को उससे पहले मैं आप लोगों को एक और प्रूफ देना चाहती हूँ और ये आप खुद टेस्ट कर सकते हैं मैं बताती हूँ क्या मंदिर डेमोलिशन्स पाकिस्तानी हिंदू मंदिर इस तरह के सारे कीवर्ड्स इन चिंकी पिंकियों ने ब्लॉक कर दिया है यानी कि जो मंदिर टूटे हैं उससे रिलेटेड अगर आप उनसे कुछ भी पूछोगे ये तुरंत आप लाग लिख के देखो वो डिलीट हो जाएगा तो इन लोगों ने ये हरकत भी की हुई है तो इन लोगों ने काफ़ी कीवर्ड्स ब्लॉक करके रखे हुए हैं ताकि आप उनसे सवाल ना कर सको और इवन कि बहुत इंडियंस की आईडी भी ब्लॉक करके रखी हुई है जो उनसे जेनविन सवाल पूछते हैं तो भाई उन्हें चाहिए चट्टू जो उनकी चाटते रहें और हिंदुस्तान में तो भाई कुछ जयचंदों के साथ साथ चटोरों की भी कमी नहीं है माफ़ करना बुरा लगेगा लेकिन यही सच है मेरे भाई क्योंकि भाई कुछ लोग हैं ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं चिंकी पिंकी की लेकिन मैं फिर से उनसे एक ही निवेदन करूंगी कि भाई साहब आप में से जितने हिंदुस्तानी उन्हें सपोर्ट करें ना करें अल्टीमेटली चिंकी पिंकी आपके आ, घर आके रोटी ना पका देंगी आपके लिए ना ही आपकी सेवा जतन कर देंगी तो अगर आप मजे ले भी रहे हैं तो भाई क्लियर बोल रही हूँ हमारे देश के हित पे सोचिए पहले फिर आगे कुछ करें तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ यूट्यूबर्स हमारा भी मुहिम बायकॉट पाकिस्तानी चैनल्स फेक रिएक्शंस को लेके अब थोड़े हाइट पे आए हैं वही हम आज एक जो वीडियो चलाने वाले हैं वो चौधरी वर्सेस सना पे जो एक वीडियो बनाई है मिस्टर इंडिया बेकर ने चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं फिर देंगे अपना ऑनेस्ट रिएक्शन इस वीडियो के बाद पर की चेक जरूर कर लेना आइए मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी चौधरी और सना अमजद भी है उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे वही आंटी जी हैं। A shame on you, India. Bye. Short term memory loss. क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है. तो दोस्तों बताने की आवश्यकता तो नहीं कि टॉपिक क्या है. लेकिन जिनको नहीं पता थोड़ा बता देना चाहता हूँ सलाम वर्सेस वर्सेज शोएब चौधरी साम कौन है लेवला कौन है आप सभी को बताइए होगा तो मेरे बहनों भाइयों मित्रगणों सजनों इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को कई सारी दिक्कत है नंबर वन सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी दुखड़ा ये नहीं कि ये अकेली ही काम कर रही थी और इसका कोई साथ निभाने वाला नहीं था बल्कि उल्टा कि जिस जंगल की अकेली शेरनी थी वहाँगर हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल यही 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 इतने सारे शिकारी क्यों आ गए अगली आ, जो यूट्यूबर्स आए हैं जो जिन जिन जगह जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है पता नहीं इनको कि यूट्यूब की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि जर्नलिज्म की डिग्री जरूरी है लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं बिल्कुल इनसे ज्यादा मोहब्बत तो अकेली सीमा फैला रही है आप भी क्रिएटिविटी दिखाएं भाई आप क्या करते हैं हमारा क्रिएट क्यूआ हुआ, हुआ काम हम करते हैं हमें बताने दो ना हम क्या करते हैं इनकी क्लिप्स उठा लेते हैं और उस पर रिएक्शन दे डालते हैं हमारी कोई क्रिएटिविटी नहीं यूट्यूब पर भार है हम भार ये लिस्ट बहुत लंबी है लास्ट वाला खुद बता देता हूँ इसकी शिकायत है कि सभी इसको कॉपी करते हैं मगर क्यों चलिए शोएब से जानते हैं मैंने मिशन कश्मीर स्टार्ट किया तो बहुत से यूट्यूबर फौरन कैमरा माइक उठाया और आ पहुंचे कश्मीर में नो no डाउट अच्छी बात है करना चाहिए मैंने इंडिया के साथ इंडियन ऑडियंस के साथ इंडियन यूथ के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो कुछ ही टाइम में तमाम यूट्यूबर्स ने खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट करने वाले तमाम यूट्यूबर्स ने माई फर्स्ट विजिट टू तो इंडिया स्टार्ट कर दिया एक मिनट भाई इंटरप्ट करना चाहूंगा भले ही उसका कहना होगी वो सबसे पहली यूट्यूबर थी इस धरती की आई मेल इस यूट्यूबर यूनिवर्स की लेकिन इस मामले में इस छल्ली ने कॉपी किया है शोएब को इस, इसी उम्मीद को लेते हुए जब मैंने ये खबर सुनी कि कराची में मंदिर को डिमोलिश किया गया है तो मैंने उसी टाइम ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रोटेस्ट करवाया हम वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कराची में पहुंचे यहां पे आके की दोनों साइड से हमने ओपिनियन लिया और मुझे बहुत उम्मीद थी कि मिशन सेव मंदिर को लेकर यह तमाम यूट्यूबर्स मुझे देख कर मेरी व्यूअरशिप को देख कर क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो ड्रामा है ये व्यूज का ड्रामा है मैं सब जानता हूँ शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं मुझे यह लगा कि शायद मुझे देख के मेरे व्यूज को देख के ये सब आएंगे मैं एक दिन वेट किया दो दिन तीन दिन चार दिन अब तक वेट कर रहा हूँ और अक्सर अपनी वीडियो में मिशन सेव मंदिर वाली वीडियो में मैं ये कहता नजर आ रहा हूँ कि आओ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाओ मैं अपने चैनल पर अपने प्लेटफॉर्म पर आवाज उठा रहा हूँ आप अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ लेकिन कोई भी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाला यहाँ पर नहीं आया पहले काम मैंने किया आई एम फर्स्ट यूट्यूबर आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योरना पे काम कर रही है बाकी सब मेरे बाद में आए वो वो यूट्यूबर वो

तो इनको बहुत दुखता है मेमोरी लॉस। क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का बिल्कुल तुम लोगों की तरह से थोड़ी है कोड़े ने इतने लाग कर दी मेला मेला बात है 2017 की कॉपीराइट स्ट्राइक मारने से पहले मेरे चैनल पर आगे चलकर बात करेंगे उस पर उससे पहले उससे दो दिन पहले ही मैडम अस्सलाम वालेकुम कहते हुए मुझसे फरियाद करती हैं कि हैदराबाद में इनके दूर के रिश्तेदार की कोई गरीब बेटी क्या मैं उनकी मदद कर सकता लेकिन वहां पूरी कम्युनिटी एक नहीं दो नहीं कई सारी बेटियां उनके साथ रोज रोज क्या होता है ये आवाज नहीं उठाती क्योंकि इन्हीं मैडम का कहना है इन्हीं मैडम का कहना है कि टॉपिक का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए था रिबाह को और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें सोच विचार करने की क्या जरूरत है <laughs> हिंदू तो पाकिस्तान में है ही कटने मरने के लिए या फिर कन्वर्ट होने के लिए

फेस करना पड़े सेंसिटिव है तो तो मैं मैं अगर अगर आ आ सकता हूं तो आप भी भी सकते हैं मेरे जैसा अगर जो कि जर्नलिस्ट भी नहीं मैं मैं यूट्यूबर भी भी नहीं 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 तो 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 एक अनपढ़ हूं मुझे तो के के स्पेलिंग स्पेलिंग आते इन्हें तो के ही आई की तो जर्नलिस्ट है ये बड़ा पेचीदा मामला है। ये लेकिन समझती अपने आप को जर्नलिस्ट है अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफी हूं। वैसे तो एक बंदा इस केस में एक बंदी दोनों हो सकता है लेकिन ना इनकी खोपड़िया में ये विचार हैं। कि दोनों की रेपुटेशन में बहुत फर्क है पहली बात तू जर्नलिस्ट थी शायद वो भी शायद है तू थी लेकिन अब एक यूट्यूबर है और मान ले इस बात को जर्नलिस्ट तेरी तरह से गलियों में धक्के थोड़ी खाते हैं वो नहीं जा। ये मेरे विचार नहीं है इसी की बातें मैं इसी पर ही उड़ेले जा रहा हूँ बस थोड़ी फ्राई करके तेरे घर में जो दोनों टाइम बिरयानी बन रही है ना आजकल वो YouTube के पैसे से आ रही अब अब, तुम आए हो तो खा कर जर्नलिज्म के पैसे से नहीं और अगर यूट्यूबर कहलवाने में इतनी शर्म आती है तो डिलीट मार दे को अपने से। अपने मोबाइल मोबाइल से से डिलीट मार सब पहले तो ये बताइए तेरा केस अपन लड़ रहा है आज हाँ तो पहले तो आप ये बताइए कि जर्नलिस्ट तो ऐसे होते हैं हाथ में चाय का कप लिए बड़े बड़े कुंडल डाले मेज के पीछे बैठे हुए है तेरा कोई एक भी ऐसा वीडियो <laughs> ये भी है। जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं। वो तेरे पास डिग्री हो सकती है कल को तू वीडियो में दिखा देगी ये रिडिग्री मेरे पास ये तो मेरी स्क्रिप्ट है लेकिन तूने सहाफत की नहीं क्योंकि पाकिस्तान में सहाफत इंडिया के खिलाफ होती है और उसमें पैसा नहीं होता <laughs> अगर मैं आके ये काम कर सकता हूँ तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं आप जैसे एक्सपीरियंस वाले जर्नलिस्ट अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत फायदा होगा मिनोरिटीज का लेकिन आप क्यों आएंगे क्यों नहीं आएंगे मैंने बता दिया व्यूज की बात आगे आएगी लेकिन अभी थोड़ी सी कर लेते हैं सब कुछ व्यूज के लिए किया जा रहा है पैसे के लिए किया जा रहा है मान लिया भाई एनजीओ जो होता है ना एन अगर उसके कार्यकर्ता भी भूखे होंगे तो किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है ये कमाए वो कमाए मैं कमाऊं कोई भी कमाए और मान लेते हैं कि ये भाई भी पैसे के लिए ही सब कुछ कर रहा है लेकिन दिख तो रहा है हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है रिस्क तो ले रहा है तुम्हारे देश की हालत चंदू की फटी बनियान से भी बुरी हो गई है उस हालात उस हालात में ये बच्चों को कुछ बांट तो रहा है खिलौने बांट रहा है खाने पीने का टॉफी टूफी बांट रहा है तूने क्या किया ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कितना अच्छा कर रहे हैं और इनकी इनकी कोशिशों से क्या मोहब्बत फैल जाएगी ये अलग बात है इस पर मैंने बहुत बार बात की है नहीं होगा ऐसा कुछ पब्लिक रिएक्शन भी दिखा दूंगा मैं एंड में सबसे पहले बोल बोल इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था अच्छा ऐसा क्या कमाल हो गई यही प्रॉब्लम इमरान खान की है वो भी कह रहा है कि उसने 25-30 साल इंडिया पाकिस्तान पर काम करते हुए खराब कर दिए इंडिया पाकिस्तान पर काम करने की डेफिनेशन क्या है ये देख मेरे कुछ चैनल दो के आस के है तो ऐसा चल्ली काम तो तब भी हो रहा था और भी लोग कर रहे थे लेकिन सफलता क्या होती है वर्ड की बात कर रहा हूं तुझे अच्छे से पता है वो तुझे मिल गई वो तुझे मिल गई और तू चाहती है किसी और को ना मिले प्रॉब्लम तेरी ये है आप भी क्रिएटिविटी दिखाए भाई आप क्या करते हैं हमारा क्रिएट किया हुआ काम उठाते हैं घर में बैठ के ठंडे एसी में रूम में बैठ के उस पर रिएक्शन वीडियो देते हैं और आप डॉलर छाप रहे हैं भाई बाहर निकले देखे कॉन्टेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है सुनते जाओ सुनते जाओ इसकी पूरी बात सुन लो तब मजा आएगा जी हाँ हम काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं कोई व्यूज दे रहे हैं या किसी को रोस्ट कर रहे हैं तो भाई आप भी डॉलर के लिए कर रहे हैं ना से बात करना कितना मुश्किल काम है तो ऐसा है उदाहरण सुन एक जब कोई बिल्डिंग बनती है ना तो एक मजदूर होता है जो ईंटे उठा रहा होता है बट्ठल कंधे पर उठा कर काम कर रहा होता है एक मिस्त्री होता है जिसका काम थोड़ा आसान होता है सुपरवाइजर खड़ा होता है बाकियों का ये मानना होता है कि वो सिर्फ धौस जमा रहा है उसके ऊपर ऊपर और लोग होते हैं बिल्डर होता है सबसे ज्यादा मुनाफा अगर हमारी किस्मत में एसी है तो ये हमारी किस्मत है और तुम्हारी एज बी पाकिस्तानी तुम्हारी किस्मत में तो लिखी ही गधा मजदूरी है ये बात क्रिएटिविटी की आगे चलकर बताऊंगा और आजकल तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे आगे है की वो करते क्या है उन्हें जर्नलिज्म की अलिफ बे भी नहीं पता मोबाइल पकड़ते हैं लोगों के साथ निकल जाते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं पॉइंट पॉइंट इसकी नजर में ये वाला काम रिएक्शन देना मेहनत का काम नहीं है बोलना मेहनत का काम है ये फिर बदल गई जिसके पास जर्नलिज्म की डिग्री है उसी का ही बोलना मेहनत का काम है बहस कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? चाहिए, उनकी हां में हां मिलाने काउंटर और आज ये जो तुझसे आगे निकल रहा है ना इसमें इसी टैलेंट का कमाल है बदलना पड़ता है वक्त के साथ अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को तुम पाकिस्तानियों की सॉरी तो बदलना नहीं चाहते हो लेकिन खुद को नहीं है वाक्यों को

वो भी सब रिकॉर्ड मौजूद है जो लिबर्टी मार्केट में एक फीमेल यूट्यूबर के साथ वाकया हुआ उसकी लाइफ को थ्रेट मिले उसकी जिंदगी को रिस्क में डाला आपने सुनिए मत देखिए जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके जो गार्ड हैं वो हमें आके धक्के दे रहे हैं बाहर जा रही हैं ये बाहर जा रही है, है। यहाँ पे डॉलर्स के लिए जो है ना ये काम किया जाता है एक अहम फैसला मैंने अपने चैनल के लिए किया है मुझे डॉलर का कोई लालच नहीं है मैं सिर्फ पॉजिटिविटी से करने के लिए काम कर रही थी ये लड़की वो यूट्यूबर है जो शोएब की तरह से इससे आगे निकल रही थी और अगर इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ने इसका करियर बर्बाद न किया होता अपनी नापाक साजिशों से तो वो आज कहीं की कहीं होती अब हुआ क्या है कि वक्त के साथ साथ इतने चैनल्स खुल गए इतने चैनल्स खुल गए बर्बाद गुलस्ता करने को एक उल्लू ही काफी था बिल्कुल जब ये अकेली काफी थी तो इतने सारे क्यों 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 कि मैं लिबर्टी मार्केट में पहले शो करती थी लेकिन मैं लिबर्टी मार्केट में जाना छोड़ दिया क्यूँकी लिबर्टी मार्केट अब जो है ना वो यूट्यूबर की मार्केट बन गई हुई है वो कहते हैं इट पुट्टो तो यूट्यूबर निकल रहा है इट पुट्टो था यूट्यूबर के साथ साथ डॉक्टर भी निकलता है तेरे नाम के आगे यूट्यूबर के साथ साथ डॉक्टर क्यों नहीं लगे? हम इंडियंस को तो ये लगता है भाई कि वहाँ जो जर्नलिस्ट है वो डॉक्टर भी है इतने हैं, इतने यूट्यूबर हैं कि वहाँ पे इतने दंगे फसाद हो चुके हैं लोगों के कंटेंट को लेकर ये भी बता कि एक तो मैंने खुद करवाया इसको इस बात से प्रॉब्लम है कि रिबाह जैसा राह का रोड़ा तो इसने हटा दिया ये बाकी क्यों नहीं हट रहे इसकी प्रॉब्लम फसाद नहीं जलन है इसको पीस नहीं इसको बर्नोल की जरूरत है मुन्ना भेजना ट्रक ले आ गया ट्रक पास ही बैठ जा लगाती रहे इज यूजिंग बर्नोल धुआं ही धुआं मैं कैमरामैन गट्टो गट्टू के साथ मुन्ना भाई टेक्निकल यूट्यूबर है जिसे हफ्ता हफ्ता चार दिन हुए हैं आपको तो अल्लाह है। भाई मेरी बहन मेरी आंटी मेरे पास इतना बहुत सी चीजें मौजूद है मैं ये थंबनेल नहीं बनाता स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है अच्छा स्पेलिंग गलत है तो केस करेगी स्पेलिंग गलत है तो वीडियो खराब हो गया ये तो वो बात गई भाई सुनना चाहोगे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन यहाँ वो बात बड़ी फिट बैठती है मैं एक बार जा रहा था रोहतक अड्डे पे खड़ी थी बस आगे जो फट्टा नहीं होता उस पर लिखा था कैथल मैंने हरियाणवी कंडक्टर से पूछ लिया भाई रोहतक जाएगी क्या बोला हाँ मैंने कहा फट्टे पे तो कैथल लिखा है पता है क्या बोला ते बस पे बैठ के जाना है क्या फट्टे पे अब चलो सुनो स्पेशली शो फैंस जरूर जानना चाहते होंगे कि शोएब जो कर रहा है वो अच्छा है उससे कितना फर्क पड़ेगा क्या फर्क पड़ रहा है तो पहले पब्लिक की सुन लो फिर मैं अपनी कहता हूँ अंग्रीज की बात किसी के साथ बेहतर नहीं है आप सोदिया की बात कर ले आप ईरान की बात कर ईरान का तो काम पाइपलाइन का छोड़ा है जो तालुका पचहत्तर साल से वो इनके दो हफ्ते के काम से हो जाएंगे मुझे अभी बता अवेयरनेस भी आ गई है मुझे भी, भी देखी जाती बात नहीं मुझे आप इतना बताएं कि दस बारह मिनट के कंटेंट से सही हो जाएंगे लेकिन सर आप काफी मेरी बात नहीं ये मिशन तब स्टार्ट होते हैं तब आप इस मिशन को बात के जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा हो ठीक है वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हो फिर ये मिशन स्टार्ट हो पीछे इनके बैक एंड पे जो काम हो रहे हैं पोलिटिकल सिचुएशन हो तो होनी दोनों दोनों मुल्क की उन्होंने मिशन मिशन दिया हो मिशन स्टार कि स्टार्ट करें ताकि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप बेहतर हो फिर हमें समझ में आती है कि आप ये वीडियो कर रहे हैं बेहतर आपको है कि आप सोए उठे हैं एक दो चीजों की वीडियो आपने देखी है दो चैलस पे और आपने काम शुरू कर दिया क्यों फायदा नहीं है उनको क्योंकि हमारी मीडिया जो दिखाना है वहाँ ने कहा यही सच है अगर हम अगर कोई अच्छा टॉपिक करके लोगों से बात करते हैं तो हमें तो एजेंट बना दिया जाता है कि आप एजेंट हैं मतलब इंडिया के शुैब चौधरी और अनम भी है तो बेचारा जो करने चाहे वो नहीं होना मतलब हमारे आपस में अच्छी करते हैं, ये बने हैं ये वैसे, तो कामयाब नहीं होंगे नहीं ऐसा इससे क्या बदल जाएगा कितना बदल जाएगा इस पर सिंगल लाइन में कहूँ तो इससे घंटा कुछ नहीं होगा पोरकियों की पाकिस्तानियों की सोच पर कभी नहीं बदल सकती मैंने सत्तर बार कहा है कि जब तक पेट भूखा है ना तब तक ही प्यार आ रहा है और ये बात सही है कल परसों एक वीडियो मैंने निमरा का एग्जाम्पल देके आपको समझाया था जब उसको पता नहीं था कि इंडिया से पैसा आएगा जब साफ भी कभी बहू थी यानी कि इंटरव्यू लेने वाली निमरा जब खुद इंटरव्यू दे रही थी तब उसकी क्या सोच थी इंडिया के बारे में लिंक दूंगा देख लीजिएगा फिर से कहता हूं जब तक पेट भूखा है प्यार आ रहा है बॉर्डर अगर शांत है तो इसके पीछे का रीजन यही है कि भूखा है पाकिस्तान ये बात नहीं कि तो भाई कर रहा है गलत कर रहा है सच बताऊं गिने चुने लोग हैं पाकिस्तान में जिनसे थोड़ा वास्ता है जिनकी वीडियोस देखते हैं जिनका कंटेंट लेते हैं लेकिन जो रियली अच्छे लगते हैं एटलीस्ट उनके बारे में कहीं इधर उधर मुझे नहीं मिला ये देखो ये देखो आज का कंटेंट निकालने के लिए वो एक क्लिप निकालने के लिए मैंने सबकी रख रखी है अमन निमरा पब्लिक रिएक्शन शो वाले और हर कोई जो ऐसी क्लिप जो ये दोगलेपन वाली क्लिप होती है ना ये सब मैंने रख रखी है और अब से नहीं बहुत पहले से एटलीस्ट ये दो बंदे एक दो बंदे एक तो आप देख ही रहे हैं, एक की तो बात चल ही रही है एक मुजम्मिल इनके बारे में कुछ गलत अभी तक तो नहीं मिला एटलीस्ट कुछ अच्छा करने की कोशिश तो कर रहे हैं वहां हिंदू भाइयों के साथ खड़ा तो है ये बंदा पाकिस्तान में ऐसा करते ही टेरिस्ट का टैग लग जाता है इंडियन एजेंट का टैग लग जाता है ये उस बात की फिक्र किए बगैर कुछ कर तो रहा है मेरे लिए नहीं पाकिस्तान के इमेज के लिए पाकिस्तान के इमेज के लिए नहीं बल्कि इन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो ड्रामा करते नजर आते हैं कि हमें पीस चाहिए हर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को पीस चाहिए लाइक like पीस

जो यहाँ से माल कमा रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाकर ये काम तो भाई फौरन से दो मिनट पहले करो ये तो मेजर साहब का डायलॉग है अच्छा है हिंदुस्तान में देखें आप क्या हो रहा है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ आप देखें कितना और ज्यादती हो रही है ऑन यू इंडिया ऑन यू इंडिया ऑन यू इंडिया लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं मेरे बहनों भाइयों मित्रगणों सजरों ये खुद एक फसाद है ये क्या किसी के काम आएगी ये बाकी यूट्यूबर्स के गले की हड्डी है इसको छोड़कर सभी फसाद फैलाते हैं आलोक भाई की सुनो भी सारे लोग इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि क्या आपको इंडियन लड़के पसंद है मुझे फसाद की किसको परवाह है पैसा आना चाहिए बस इतनी दूरी सोच सकती है छली आप भी क्रिएटिविटी दिखाए भाई आप क्या करते हैं हमारा क्रिएट हुआ काम ऐसा भी क्रिएटिविटी दिखाने को तो मैं बहुत दिखा दूँ लेकिन उसी पर दिखाता हूँ जो ऐसा करने के लायक वीडियो भले ही लंबी हो गई लेकिन हकीकत सामने आ गई शोएब हो या फिर ये सना अमजद या इनके तरह फेक रिएक्शन चैनल्स वाले ये सब काम कर रहे हैं डॉलर के लिए क्योंकि मैंने बताया था एक व्यू एक रुपया दे रहा है इनको तो आप सोचो कितने लाख व्यूज ये कमा रहे हैं ये जितनी भी बकचोदियां चल रही है ना मैं आपको बता रही हूँ ये सब ड्रामेबाजी और कुछ नहीं पोरियो की सोच जैसी थी वो मरते दम तक वही रहेगी हिंदू मंदिर माइनॉरिटी रेप लड़कियों के साथ असोल्ट ये ऐसी चीजें हैं जो वहां दिन रात चलते हैं कन्वर्जन कराना कन्वर्ट करा के लड़कियों को माइनर लड़कियों के साथ रेप करके उनको प्रेग्नेंट करके इतना मजबूर कर देना या तो वो खुद बिक जाती हैं मर जाती हैं या फिर इनके नीचे ही दबी कुचली रहती हैं और जिनके लिए कोई बोलने नहीं आएगा तो दोस्तों आज इस वीडियो से मुझे एक चीज तो समझ में आ गया चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में आके बहुत लोग कह रहे हैं आप श्वेब को सपोर्ट करिए इसको करिए भाई मैं क्यों सपोर्ट करूं किसी पाकिस्तानी चैनल को मैं ना करती और मैं क्लियर कह रही हूँ सॉरी मेरे तरफ से जिनको बुरा लग रहा है बट मैं किसी भी पाकिस्तानी चैनल को सपोर्ट करना पसंद नहीं करती अल्टीमेटली जैसे हम कहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वैसे ही इनका फिर भी दिल है पोर्किस्तानी जो पुरख ही रहेगा क्योंकि एंड ऑफ द डे इनको एक ही चीज दिखता है हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है सितम ढाया जाता है कश्मीरी मुसलमान रो रहे हैं वहां ये हो रहा है वो हो रहा है अपने यहाँ के जो माइनॉरिटी को तो इन्हें देखना नहीं है सच इन्हें सामने लाना नहीं है क्योंकि भैया हम इंडियंस इनको भर भर के दे रहे हैं व्यूअरशिप जो इनके मुंह में घुस रहे हैं डॉलर्स के हिसाब से लाखों करोड़ों भाई साहब पैसे की कीमत है हिंदुस्तान में आज भी इतने लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपना पैसा सही जगह यूटिलाइज कीजिए पोर्कियों को व्यवरशिप देने से बढ़िया है किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए जो ज्यादा बेहतर है मुझे लगता है बाकी आपका पैसा आप जानिए बट इतना याद रखिए हर वीडियो में कहती हूँ आपका पैसा इंडिया के खिलाफ ही यूज हो रहा है मतलब ये समझ लीजिए कि आपका घर चाहे आप कुछ भी कर रहे हो आपके घर पे अटैक वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों को आप सपोर्ट दे रहे हो तो दोस्तों आज के वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको लगता है कि हम इंडियंस को इन पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना चाहिए इतना इनकी औकात जानने के बाद इन... आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय जै भारत